आइए सुने कुछ बातें कुछ गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में बातें ऋषि कपूर की और गाने ऋषि कपूर की फिल्मों के। हमारे बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट हैं जो इस कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे। उन्होंने ऋषि कपूर के बारे में अपनी बातें लिखी हैं, पर कार्यक्रम का आगाज इस गाने के जरिए किया जा रहा है जो ऋषि कपूर की पहली फिल्म थी बतौर हीरो। बताइएगा गीतकार और संगीतकार का नाम। मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं मगर हसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी। दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं मगर हसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको दोस्त दिया गई। शायर बंदगी आ गई। मैं
शायर तो नहीं मगर ये हसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी बॉबी फिल्म का ये गाना आप सभी ने सुना और हमारे बहुत सारे श्रोता ऋषि कपूर के बारे में अपनी बातें लिख रहे हैं। आनंद बख्शी के बोल थे इस गाने में और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। एक श्रोता लिखते हैं कि जब प्रोमो में मैं आपकी बातें सुन रहा था तो लग रहा था कि शायद आप देवानंद की बातें करेंगे। देखा जाए तो ऋषि कपूर और देवानंद में अनेक समानता हैं। दोनों युवा दिखते थे, क्लीन शेव ही उन्होंने फिल्मों में काम किया। दोनों स्वेटर और जैकेट के लिए बहुत मशहूर हुए। इसके अलावा उन्होंने अपनी समकालीन और नई अभिनेत्रियों के साथ भी काम किया। देवानंद ने सुरैया से लेकर टीना मुनीम तक और ऋषि कपूर ने डिंपल कपाड़िया से लेकर टीना मुनीम तक अभिनेत्रियों के साथ काम किया। ये तुलना इन्होंने की है और ऋषि कपूर की फिल्म बॉबी देखने की दीवानगी आज भी पुरानी यादों को ताजा कर देती है। जब बॉबी रिलीज हुई थी तो कामयाबी के झंडे गाड़ दिए थे इस फिल्म ने और इसके गानों का क्रेज गजब का था। दिन रात रेडियो पर ये गाने बजते थे। उस जमाने में हम स्कूल में पढ़ा करते थे। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि फिल्म बॉबी के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था और साल 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ऋषि कपूर को मिला था। 1970 में बाल अभिनेता के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता था। एक और श्रोता का कहना है कि ऋषि कपूर एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा नई अभिनेत्रियों की फिल्मों में काम किया है। तो बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आ रहे हैं और ऋषि कपूर के गानों का है आपको इंतजार। तो अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। एक और श्रोता ये लिखते हैं कि ऋषि कपूर की अभिनय क्षमता ऐसी है मानो उन्हें अपने किरदार के लिए बनाया गया हो। साधु जैसे अपनी भक्ति में रम जाता है ऋषि कपूर अपने अभिनय में रम जाया करते थे। एक और श्रोता लिखते हैं, मेरा नाम जोकर जी नहीं, मेरा नाम राजू है। मैं फिल्म बॉबी का राजा हूं, असली नाम ऋषि कपूर है। परिवार में लोग मुझे चिंटू के उपनाम से पुकारते हैं। फिल्मी दुनिया का नगीना, चांदनी का दीवाना, अमर अकबर एंथनी का अकबर। फिल्मी दुनिया में सबका होता है नसीब अपना अपना, और अगर नसीब खुल गया बोल राधा बोल, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है अगर मैं फिल्मों में नहीं आता तो खेल खेल में नीतू सिंह जैसी जीवन साथी नहीं मिलती। फिल्म का नाम बताइएगा, किस फिल्म का है ये गाना? दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा, बचना ऐ हसीनों लो मैं आ गया, बचना ऐ हसीनों
का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा है बचना ऐ हसीनों लो मैं आ गया नशा है बचना है हसीनों लो मैं आ गया तो सभी है मुझ पे फिदा है बचना है हसीनों लो मैं आ गया छाई है मेरी ही अदा है बचना है हसीनों लो मैं आ गया है बचना है हसीनों लो मैं आ गया हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा है बचना है हसीनों लो मैं आ गया भाई। ये गाना तो हो गया, आप सभी ने सुना और सभी ने जवाब भी सही सही दे दिए हैं। और चूंकि बातें ऋषि कपूर की हो रही हैं और गाने ऋषि कपूर के हो रहे हैं, तो जाहिर है कि लोगों को बहुत अलग अलग चीज़ें पसंद आ रही हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि ऋषि कपूर बहुत अच्छे अभिनेता थे और उनकी जो डांसिंग स्किल्स हैं उनका कोई जवाब नहीं था। उन पर जितने भी गाने फिल्माए गए हैं वो बहुत ही गजब के गाने रहे हैं और हम किसी से कम नहीं की बात बहुत सारे श्रोताओं ने की। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि कुछ गीतों में बेहतरीन किशोर कुमार, कुछ गीतों में दमदार मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें निर्माता निर्देशकों ने प्रयोग की और सफल रहीं। ऋषि कपूर एक बेमिसाल अभिनेता। और इसके अलावा हमारे अलग अलग श्रोता उनके साथ अलग अलग हीरोइंस की बातें भी कर रहे हैं। तो चलिए अब इस गाने की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी हीरोइन इस गाने में थी ऋषि कपूर के साथ? Thank you.
एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। बोलो बोलो बोलो। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, हो एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। सभी ने बताया कि ऋषि कपूर और नीतू सिंह का ये गाना, और ऋषि कपूर नीतू सिंह जिंदगी की राहों के हम सफर, लोगों को ये गाना बहुत ही पसंद है। और ऋषि कपूर एक ऐसे अभिनेता हैं जो युवा पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं, और हमेशा नौजवानों ने उनके अभिनय को, उनकी फिल्मों को, उनके गानों को बहुत पसंद किया है। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं करनी बंद कर दी, और तब वो बतौर चरित्र अभिनेता भी नजर आते थे, तब भी लोगों ने उन्हें बहुत सारा प्यार दिया था। हालांकि एक लाइन में जिक्र पीछे हो चुका है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि ऋषि कपूर ने अपने पिता की कौन सी फिल्म में बतौर बाल अभिनेता काम किया? और दिलचस्प बात यह है कि अवार्ड भी जीता था। और इस गाने में हीरोइन कौन है ऋषि कपूर के साथ, और किन महोदय ने बनाई थी ये फिल्म? तू कितने बरस की? मैं 16 बरस की। तो मैं 17 बरस का। 16 मेरा जाए ले लो, एक दो बरस ज्यादा दूर रहना, एक दो बरस ज्यादा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का। मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का। मेरा जाए लेना, कुछ भी हो मुश्किल है दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का, तू 16 बरस की,
रात हो, जाने कब बारात हो, मेरा दिल तो चाहे आज की रात मिलन की रात हो। क्योंकि तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का, तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का, मिल जाए ना एक दो बरस ज़रा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। सच्चे प्रेमी सब मिलते हैं, अब देखें हम कब मिलते हैं। मिलने में अब क्या मुश्किल है, तेरी मेरी एक मंजिल है, दूर है वो नजदीक नहीं है, अब ये मिलना ठीक नहीं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का, मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का, मिल जाए नैना। कुछ भी हो मुश्किल है दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। बरस का मैं 16 बरस की, मैं 17 बरस का। भाई ये तो गाना खत्म हुआ, और ऋषि कपूर और टीना मुनीम, फिल्म कर्ज, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सुभाष खई, लता मंगेशकर और किशोर कुमार, इतनी सारी बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं। निर्माता निर्देशक सुभाष खई, फिल्म 1980 कर्ज, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ये भी बात लिखी है। और मैंने कहा था कि अपने पिता के साथ ऋषि कपूर ने एक फिल्म में काम किया बतौर बाल अभिनेता, तो उसका जवाब क्या है, और कुछ श्रोताओं ने ये जवाब दिया है कि मेरा नाम जोकर में काम किया था, हमने क्लू ये दिया था कि उसके लिए अवार्ड जीता था, तो ऋषि कपूर को सर्वश्रेष्ठ बाल अभिनेता का फिल्म बाल अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, ये एक बहुत बड़ी बात थी। और उसके अलावा एक और श्रोता की ये बात तो सही है कि प्रेम रोग और बॉबी में भी उन्होंने काम किया था, वैसे तो हिना में भी तो काम किया था, तो राज कपूर के साथ तो कई फिल्में रही उनकी। और अब हम अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं, और आपको ये बताना है कि ऋषि कपूर इस फिल्म में किसी कंचन की बात कर रहे हैं, ये कंचन कौन है और किस फिल्म का है ये गाना। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तुमसे है हे कंचन, अरे हे हे कंचन प्यार। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है हे कंचन, हे कंचन ओ प्यार। ऊंचे
घर वाली हो या गलियों की रानी, कोई हो तुम रहती हो कहीं। ओ ऊंचे घर वाली हो या गलियों की रानी, कोई हो तुम रहती हो कहीं। तुमसे बढ़ के यारा कौन हमको तो तुमसे है। हे हे कांची, अरे हे कांची, ओ प्यार। किसकी हो एक नजर तो देखो कम से कम। देखो इन आंखों में ये सूरत है किसकी, हो एक नजर तो देखो कम से कम। आखिर है हमारा कौन हमको तो तुमसे है। हे कांची, अरे हे कांची, ओ प्यार। दोस्तों इस सवाल का जवाब हम देंगे, लेकिन अब कार्यक्रम में एक ब्रेक की बारी आ गई है, तो हम अभी हाजिर होते हैं।
थी वो सागर फिल्म के गाने की थी। और अब जो है हम चल रहे हैं आगे, बताइए किस फिल्म का गाना है और कौन है हीरोइन। जहरीला इंसान फिल्म का ये गाना आपने सुना, और अलग अलग हीरोइंस के साथ गाने हम सुनवाने की कोशिश करें। हालांकि हमने कोशिश ये की है कि सबसे ज्यादा हिट गाने आपके लिए इस कार्यक्रम में सुनवाए जाएं ऋषि कपूर के। और हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि यहाँ मौशमी चटर्जी हीरोइन हैं जहरीला इंसान फिल्म में ऋषि कपूर के साथ, बिल्कुल सही लिखा है। और अब अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं, ये धुआंधार गाना, बताइए कौन है हीरोइन इस फिल्म की।
तेरी चम चम से मेरी चम सरगम फिल्म का ये गीत आपने सुना और जया प्रदा इस फिल्म की हीरोइन थी, सभी ने इस बात को बताया है। और इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जिन्होंने ये भी कहा कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। और अब अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, बताइए किस फिल्म का है ये गीत। ओए प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं, प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं। तेरी मेरी उम्र में किसने ये किया नहीं, प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं। भाई ये गाना अभी आपने सुना और ये कभी कभी फिल्म का गाना था, नीतू सिंह इस फिल्म में हीरोइन थी ऋषि कपूर की। और अब अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं, बताइए ये गाना किस फिल्म का है और कौन है हीरोइन ऋषि कपूर की इस गाने में।
न कहा तू है जहां मैं हूं वहां अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा कुमार और आशा भोसले की आवाजों में ये वादा रहा फिल्म का गाना था। पूनम ढिल्लो इस फिल्म की हीरोइन थी। और एक श्रोता ने कहा है कि आप कांच छाट कर कमेंट पढ़ते हैं और इससे कई कटी हुई चीजें अधूरी लगती हैं। अब सवाल ये है कि इतने सारे श्रोताओं के कमेंट होते हैं, अगर हम सभी श्रोताओं के पूरे पूरे कमेंट्स पढ़ने चलें तो ये भी होगा कि बहुत सारे श्रोताओं को ये शिकायत होगी कि हमारे कमेंट्स तो पढ़े ही नहीं, आप कुछ खास खास लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं। तो हम मुख्य बातें आपकी शामिल कर लेते हैं और जाहिर है कि बातों का दोहराव ना हो इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। अगला गाना फिल्म का नाम बताइए। उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके हर जलवा था एक शोला उसने यार के सदके हर जलवा था एक शोला उसने यार के सदके इस रेशमी पाजे जवानी मांगती थी हंसी झनकार
निगाहों में चुरा लाए हम उनके नाज़नी जलवे निगाहों में क्रिसमस से जो हुआ है उस दीदार के सदके क्रिसमस से जो हुआ है उस दीदार के सदके उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके अभिनेत्री रंजीता पर फिल्म आया गया था। ऋषि कपूर और रंजीता इस फिल्म में थे। लैला मजनू फिल्म का ये गाना था और ये कार्यक्रम का आखिरी गीत था। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।